में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की भुजा, कोई एक त्रिभुज है जिनकी भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, इन तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी हो, यदि त्रिभुज की भुजा ए बी सी हो, मान लो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और शॉर्ट ट्रिक क्या होगा हमारा, सबसे पहले तीनों संख्याओं का, तीनों सेंटीमीटर का योग कर लेंगे और उसका हाफ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, एस का मान निकल जाएगा हमारा, एस मतलब अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो इन तीनों का योग कर लेंगे, तो इन तीनों का योग कर लेते हैं, 15 प्लस 13 प्लस 14 बाई टू। अब तीनों का योग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तीनों का योग करेंगे तो हमारा, तीनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 42 बटे 2, मतलब इसके काटेंगे तो हमारा 21। तो एस हमारा अर्ध परिमाप निकल गया 21। तब क्षेत्रफल निकालना है, चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस दोस्तों, इसमें मार रखना है, आंसर आ जाएगा। तो एस हमारा कितना निकाले थे, अर्ध परिमाप 21, तो अंडर रूट 21, उसके बाद 21 माइनस ए कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। बस मार रखते जाओ, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। 21 माइनस बी का मान कितना है, 13। बस निकालते जाओ, 21 माइनस सी कितना है, 14। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अंडर रूट करके, 21 गुणा 21 में 21 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 6। अब 21 में माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 21 में माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखते रहिए, बस मज़ा आने वाला है सवाल में, चलिए देखते हैं। 7 8 56, और 56 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। और 336 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारा 27216। तो इसका आ जाएगा हमारा 27216। अब इनका क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब इनका वर्ग निकालेंगे, चलिए निकालो, इनका वर्ग आ जाएगा हमारा 84 वर्ग सेंटीमीटर, 84 वर्ग सेंटीमीटर। बस दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर हो या 14 सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल निकालना। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इन तीनों सेंटीमीटर का योग कर देना है और उसका हाफ कर देना है, तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मान रखना है और सवाल को हल कर लेना है, है ना मज़ेदार सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो और भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो चुटकियों में हल हो जाएगा, देखिए कैसा। एक त्रिभुज की भुजा कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और उसकी भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई पूछा गया है 8 सेंटीमीटर है, क्या करेंगे, क्षेत्रफल 2 से भाग कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे, 4 और 12 चौंक 48, आंसर आ गया दोस्तों 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका बेसिक देखते हैं कैसा बनता है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, अब भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित
कोई एक भुजा, कोई एक भुजा है, कोई एक भुजा ले लेते हैं, कोई एक भुजा गुणित उस भुजा, त्रिभुज की ऊंचाई उस भुजा से, उस भुजा से क्या निकालेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों, उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, बेसिक बना लेते हैं हम। उस त्रिभुज की भुजा मतलब कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो एक भुजा हमारी, एक भुजा कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और उस भुजा डेल की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है हमारे नीचे में 2, बस इसको काट दो, 2 × 12 और 8 × 48 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम प्यारा सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई निकालना है दोस्तों, एकदम प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज, कोई एक समबाहु त्रिभुज है ना, एक कोई समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई निकालना है ये वाला। एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो, तो कोई एक भुजा ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, कोई इसकी भुजा ए है, उसकी ऊंचाई निकालना है ये वाला, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4a² ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों, बस मान रख सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, भुजा हमारा कितना है, भुजा हम ए माने थे, ठीक है, 3/4a² तो हमारा मान क्या आ जाएगा, √3 का है √3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2² लिख सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, एक हमारा 6² है, 6² लिख सकते हैं, तो यहीं पर हम काट देंगे इसको, 2 और 2 कट जाएगा, इसका वर्ग वर्ग कट गया है, अब 2 को इसे काट देंगे, 2 × 6 = √3, इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, 3√3 हो जाएगी। ये लंबा प्रोसेस चला जाता, बस शॉर्ट ट्रिक बनाना है हमको, क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। मेरे प्यारे भाइयों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर था, ऊंचाई निकालना है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है,